हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में क्रियान्वित फैसला किया है। इसी के तहत इंद्री ब्लॉक में BDPO कार्यालय में हल्के से सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 6 बैच की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम डॉक्टर राजबाला मोर महिला एवं विकास परियोजना अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है। हरियाणा तरफ के सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, जो हमारी प्रदेश में आंगनवाड़ी है, सारी आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी के मद्देनजर सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में ही ट्रेनिंग दी जा रही है प्ले स्कूल की। उसी के लिए ये ट्रेनिंग हमारी 5 दिन की। इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, खेलकूद भी ज़रूरी है बच्चे को, फिर बच्चे को खेलकूद के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बच्चे का बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे के मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो पाए। उसके लिए भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है हमारी, जैसे आकार की पहचान होना, फिर छोटे बड़े का ज्ञान होना, रंगों की पहचान होना, फिर ऐसे ही शारीरिक मानसिक भी विकास बच्चे का बहुत ज़रूरी है। शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक विकास के लिए भी बच्चे को अलग अलग जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके बारे में ज्ञान कराया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि बच्चा इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ साथ बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन भी इम्प्रूव कर सके। कि तो सर ये एक तरीके से जैसे आंगनवाड़ी में हमारा चल रहा था PSC प्री स्कूल एजुकेशन का, उसमें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके हम स्कूल की तर्ज पे ही करवाएंगे इसको। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई है, उसी में 2 क्लास जो हमारी है वो प्ले स्कूल की रखी गई है, स्कूल से पहले प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, तो वो हमने आंगनवाड़ियों में करवाएंगे। जैसा कि सुनने में आया है सर कि हरियाणा सरकार अब आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने जा रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ इंद्री वीडियो हॉल में सभी वर्करों को जो है बैच के अनुसार 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग स्टेप सिखाए जा रहे हैं। जैसा कि पहला स्टेप है उसका शारीरिक विकास, बच्चे के शरीर की सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशियों को विकसित करना, उसके लिए हमें डेमो करके दिखाने हैं और मैडम भी हमें बहुत अच्छा सिखा रही हैं। उसके बाद है बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास, उसके बाद है उसका बौद्धिक विकास, भाषात्मक विकास और रचनात्मक विकास। हाँ, जब हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे 3 साल के बाद जो है बच्चा हमारे उस प्ले स्कूल में आएगा, तो उसको जो हम स्कूल में भेजने के लिए बिल्कुल प्रॉपरली तैयार करके भेजेंगे, जैसे 3 से 4 और 4 से 5 साल 2 से 10 साल तक जो है बच्चा हमारे प्ले स्कूल में आएगा, तो उसको हम इन्हीं 5 विकास का डेवलपमेंट करके उसको सभी क्रियाओं के माध्यम से, जैसे बच्चे को खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, तो उसको बच्चे को हर प्रकार का विकास करके उसे स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी कर देंगे। इंद्री से मेनपाल की रिपोर्ट।